सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पर वीडियो जो लाया हूँ, नंबर एनालॉगी पर वीडियो लाया हूँ। नंबर एनालॉगी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर नंबर एनालॉगी को बहुत सिंपल वेज में और बेसिक्स वेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे लोगों को ये पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आप सॉल्व करके आंसर बता दो इसका क्या है, तब तक फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, 3, 3.6, 11, ? अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा, चार ऑप्शन दिया, ठीक है। बहुत इजी है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि टफ एग्जाम में नहीं पूछे जाता है, टफ एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन भी होते हैं, और बहुत बार हम लोग उसको टफ करने के चक्कर में, हम इजी को टफ करने के चक्कर में उसको गलत सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर वैसा नहीं करना, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। देखो, पहला है 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, और 6 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 3 में 3 मिलाया तो 6 आया, 6 में 5 मिलाया तो 11 आया, है ना। आपको दो यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, तो ठीक है। तो फिर अब 11 में कितना मिलाएंगे, अब मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये ऑड नंबर है, 3, 5, 5 के बाद ऑड नंबर 7 आता है, तो मैं 7 मिलाऊंगा, 11 + 7 = 18, तो मेरा आंसर यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ लोग क्या सॉल्व करेंगे पता है, 1 का स्क्वायर + 2, 1 का स्क्वायर 1 आता उसमें 2 मिलाया तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर 4 आता उसमें 2 मिलाएंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, तो दूसरा 6 इस तरह से आया, 3 का स्क्वायर + 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है उसमें 2 मिलाया तो 11 आएगा, और 4 का स्क्वायर + 2 इसका आएगा 16 + 2 = 18, ये आपका 18 आया। तो आप इस तरह से सॉल्व करो, इस तरह सॉल्व करो क्वेश्चन, अरे आंसर यहाँ पर राइट आने वाला है, लॉजिक कोई भी यूज करो, आंसर यहाँ पर राइट आने वाला है, ठीक है। और भी लॉजिक हो सकते हैं, वो आप लोग लगाओ कौन सा और लॉजिक आएगा कमेंट में मुझे करो, ठीक है। मुझे पता है एक दो और लॉजिक आएगा, और आप लेकिन आप लोग लगाओ कि उसका मैं लॉजिक क्या आ सकता है, इससे क्या होगा आपका जो प्रैक्टिस भी होंगी, और आपका जो माइंड है, आपका जो आइडियाज लाने की जो कोशिश है वो आपकी खुलेंगी, आपका दिमाग अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर लेवल बढ़ा दिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन क्या दिया है, 144:23 169:what, ठीक है, और उसके लिए चार ऑप्शन दिया है। अब आप यहाँ पर सोचो और उसका आंसर दो, मैं कुछ वक्त देता हूं आपको, आप सोचो इसका आंसर दो, कमेंट करो क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट, ठीक है। हाँ चलो मैं करता हूं, आप यहाँ पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, मैं करता हूं 144:23। आप यहाँ पर देखो एक लॉजिक, ये भी दो ऑप्शन, दो आपको लॉजिक से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक लॉजिक ये है, जब 144 में से मैं 23 को माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है, 144 में से 23 माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 121, और 121 ही है परफेक्ट स्क्वायर 11 का, 144 है परफेक्ट स्क्वायर 12 का। इसका मतलब क्या हो रहा है, 144 में से ये नंबर माइनस कर रहा हूं तो मुझे उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो 169 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो उसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और आपको पता है 169 के पहले परफेक्ट स्क्वायर 144 होता है, जो कि 12 का स्क्वायर है, 169 13 का, ये 12 का है। तो आप क्या करो, 169 में से 144 को माइनस करो, आपको वो नंबर मिल जाएगा, अब वो नंबर आएगा 25, तो आप 25 को यहाँ पर टिक कर सकते हो। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा लॉजिक आपको मैं बता देता हूं, दूसरा लॉजिक ये है कि देखो 144 है, 144 किसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 12 में उससे पहले वाला एक नंबर मिला दो, 12 से पहले 11 आता, आंसर आ रहा 23, आया 23, ठीक है। इसी तरह 169 किसका स्क्वायर आता है, 13 का आता है ऑब्वियसली, तो 13 में उससे पहले वाला एक नंबर मिला दो 12 को, 13 + 12 कितना होता है 25, तो आपका आंसर आएगा 25। तो इस लॉजिक से इस्तेमाल करो या इस लॉजिक से इस्तेमाल करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। इस तरह से आपको नंबर एनालॉगी सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर x आपका 144 है, y आपका 18 है, तो एक x = y क्या आएगा, और चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें आपको चेक करना है जो क्वेश्चन दिया आपका उसका रेशो क्या है, ठीक है। जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा है उस टाइप में रेशो निकालना है, और सेम रेशो इसमें से कौन सा आएगा वो आपका आंसर रहेगा। जैसे अभी देखो x तुम्हारा x = y बोला है, x आपका 144 है डिवाइड बाय y आपका 18 आएगा, ठीक है। 18 के टेबल में 18 के टेबल में 144 कब आता है, 8 पे, तो यहां पर आपका जो बन गया है 8/1, जिसको हम लोग बोलेंगे 8:1, ठीक है, ये आपका बन गया। अब ऐसा रेशो कौन सा आता है चारों में वो देख लो। अब मैं d से जाता हूं, d का आप देखोगे 256 / 16, 16 वन जा
और 16 16 जा, तो आपका ये रेशो आ रहा 16:1, तो डी आपका नहीं आ सकता। सी की बात करेंगे 169 और 13 का करेंगे 13 1 13 13 जा, तो ये आ रहा आपका 13:1, ये भी नहीं आ सकता है। बी की बात करेंगे आपका 13:169, तो ये आपका आएगा 1:13, तो ये भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा, आपका ऑप्शन 96/12 है, ए 12 1 12 8 जा, तो ये आपका आ रहा है 8:1, मतलब आपका ऑप्शन ए है, तो ए पे टिक कर देना। इस तरह से आपको क्वेश्चन एनालॉगी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लेवल हम टफ करेंगे और लेवल बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के ये वीडियो में देखो आप लोग, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।